इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजधानी भोपाल के क्राइम ब्रांच ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की एफआईआर की मांग। कांग्रेस पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक आरिफ मसूद, पूर्व महापौर विवा पटेल, विधायक कुणाल चौधरी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। एफआईआर को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने एडिशनल एसपी राजेश सिंह भदौरिया से की चर्चा। वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड जिन लोगों ने नहीं चलाया, एफआईआर उन लोगों पर होने की। जिन अधिकारियों ने सरकार को मौत के गलत आंकड़े देने का काम किया है, ऐसे लोगों पर एफआईआर होना थी। एफआईआर उन लोगों पर हो रही है जिन्होंने छिंदवाड़ा को ऑक्सीजन देने का काम किया है, ग्वालियर को देने का काम किया है। कमलनाथ जी जनता के मूल मुद्दों को उठाने का कार्य कर रही है। शिवराज सरकार ने कोरोना काल के लिए पैसों की घोषणा तो की, मगर एक भी कोरोना वॉरियर्स को पैसे नहीं दिए गए हैं। भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। लीजिए एक मिनट, जो मैं 7116 फिगर भोपाल के बोल रहा हूँ, ये देख लीजिए आप, पूरा जोड़ घटाना कर लीजिए कैप्चर इसको। चलिए दे दीजिए। और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु का सिलसिला चालू हो गया। हालांकि दूसरी लहर की शुरुआती दौर में स्थिति इतनी भयावह नहीं थी। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते रहे हैं, उनके इशारे पर कोरोना पीड़ितों की संख्या को छुपाया गया है। यहां तक कि शमशान घाट एवं कब्रिस्तानों में हुए दाह संस्कारों की संख्या हजारों में होती है, उसको छुपा रहे हैं और ना ही इलाज की समुचित व्यवस्था कराई है। आज भी भोपाल में ब्लैक फंगस के सैकड़ों मरीज दवा और इंजेक्शन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसके लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिम्मेदार हैं। जबकि समाचार पत्रों, सोशल मीडिया एवं वैज्ञानिकों द्वारा बराबर संदेश दिया जा रहे थे कि स्थिति भयावह होने वाली है, परंतु मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी हठ धर्मता के चलते किसी भी तरह की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की। लगातार कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को प्रदेशवासियों से छुपाते रहे, फलस्वरूप मध्य प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु का तांडव पूरे प्रदेश में बढ़ता गया। कोरोना से हुई मृत्यु की सत्यता जांचने के लिए प्रदेश के समाचार पत्रों पर नज़र डाल लें तो सत्यता उजागर हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर 23 मई के समाचार पत्र देख लें। सरकारी आंकड़े के अनुसार कोविड से शनिवार को 4 मौतें हुई हैं, जबकि विश्राम घाट कब्रिस्तान में कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम क्रियाएँ 54 व्यक्तियों की हुई है। यह सिलसिला पिछले कई दिनों से बदस्तूर चला आ रहा है। शिवराज जी ने इस कोविड कॉल को गंभीरता से नहीं लिया, इसी कारण कोविड से पीड़ित मरीजों की अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, इंजेक्शन नहीं मिल पाए। इस खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया और सरकार मौतों के आंकड़ों को छुपाती रही। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए मुख्यमंत्री दोषी हैं। इस पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए, बल्कि शमशान एवं कब्रिस्तान के प्राप्त आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। एक एफआईआर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री आओ कैलाश भाई, आरिफ भाई की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री जी पर हमने यहाँ पे शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें जो जितने नेता हैं सब खड़े हैं, सबके दस्तखत हैं, प्रजापति जी से लेके पटवारी जी से लेके साधो जी लेके कैलाश मिश्रा से सब। और ये मांग की है कि जिस तरह से मौतों के आंकड़े छुपाए गए हैं, लोगों की जान गई है, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिला नहीं, ऑक्सीजन बेड मिले नहीं, ऑक्सीजन मिली नहीं, और इसके साथ ही आज ब्लैक फंगस चल रहा है, ब्लैक फंगस की वजह से मौतें हो रही हैं और इंजेक्शन मिल नहीं रहे हैं। कमलनाथ जी पर जो एफआईआर हुई वो जिन तथ्यों के आधार पे की, उसका मुख्य उद्देश्य था ध्यान भटकाना। जो मौतें हो रही है मध्य प्रदेश में, जो कुप्रबंधन था सरकार का, ऑक्सीजन से जो मृत्यु हुई दवाइयों की कमी से, उनके आंकड़ों को कैसे छुपाते रही सरकार और आवाज़ उठाएंगे तो एफआईआर कर देंगे। कमलनाथ जी ने जब ये बात जनता की सरकार के कानों तक पहुंचाई तो सरकार नाराज हो गई, उनने एफआईआर कर दी, कहा कि इंडियन
वेरिएंट शब्द का उपयोग किया जिससे देश का नाम बदनाम हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को इंडियन वेरिएंट के डबल वेरिएंट का वर्ड का यूज देश की सरकार ने किया। वर्ल्ड वाइज सारी जितनी अखबार मीडिया है उनने शब्द का उपयोग किया। दो मेमोरेंडम दिए गए हैं जिनको थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच को दिया गया है, और ये जो दो मेमोरेंडम, इसमें एक केस जो कल रजिस्टर्ड हुआ था उसको निरस्त किया जाए उसको लेके, और दूसरा ज्ञापन इनकी कुछ मांग है जो इनके द्वारा दिए गए हैं। दोनों बिंदुओं को, ज्ञापन को लेकर के थाना प्रभारी अपराध शाखा भोपाल को आवश्यक कार्रवाई हेतु दे दिया गया। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।